नमस्कार दोस्तों, विवाह के बाद पति और पत्नी दोनों के गृहस्थी और परिवार के प्रति बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर घर की महिला या पत्नी ये पांच कर्तव्य बखूबी निभा दे तो पति सारी दुनिया को जीत सकता है, अर्थात जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। नंबर एक, पति जब घर से बाहर हो तो किसी भी बाहरी व्यक्ति या पराए मर्द को अपने घर के अंदर न आने दें। अगर पति के मन में अपने घर या पत्नी के प्रति असुरक्षा की भावना होगी तो वह बाहर किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। नंबर दो, खर्चा हमेशा अपनी हैसियत और आमदनी देखकर ही करें। दूसरों को देखकर खर्च करने वाली औरतें ध्यान रखें, ऐसा करने से आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है और परिवार में कलह शुरू हो जाता है। नंबर तीन, पति की गरीबी में पति का साथ ना छोड़ें और उसे प्रोत्साहित करें। कहा जाता है, पत्नी वही उत्तम होती है जो पति की गरीबी में उसके साथ डटकर खड़ी रहे, और पति वही पूजनीय होता है जो पत्नी की बीमारी में उसका साथ ना छोड़े। नंबर चार, कभी भी पति के साथ पैसों की हेरा फेरी ना करें, उसके परिश्रम की अहमियत को समझें, लेकिन घर खर्चे में से थोड़े थोड़े पैसे बचाना भी एक कुशल गृहिणी की निशानी होती है, क्योंकि वह पैसे किसी ज़रूरत के समय घर में काम आ सकते हैं। एक कहावत है, पत्नी की कंजूसी पति को अमीर बना देती है, लेकिन पति की ज़्यादा कंजूसी पत्नी को बेइज्जत करवा देती है। नंबर पाँच, घर आए मेहमान का आदर और सम्मान करें, इससे समाज में पति की इज्जत बढ़ती है। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।